अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाने में क्या गुड्डू मुस्लिम का हाथ था? एक साल पहले हुई इस वारदात पर से क्या अब जाकर पर्दा उठेगा? क्या अतीक का बेहद खास गुर्गा ही निकला धोखेबाज? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अतीक और अशरफ ने जाते जाते कुछ ऐसा कहा था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आप सभी को वो दिन याद होगा जब आज से ठीक एक साल पहले दोनों को सरेआम कैमरे के सामने गोलियों से भून दिया गया था। वो मंजर आज तक कोई नहीं भूल पाया। अतीक और अशरफ की मौत ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए जिनका जवाब आज तक पुलिस को नहीं मिल पाए। लेकिन अब अतीक के बेटे ने खुद जेल के अंदर से बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो इसका खुलासा जेल में बंद अतीक के बेटे अली ने किया। खबरों के मुताबिक उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि गुड्डू मुस्लिम गद्दार था, उसी ने गद्दारी की। उमेश पाल की हत्या के दौरान असद को कार से नहीं निकलना था, गुड्डू मुस्लिम ने इशारा करके उसे बाहर निकलवाया। खबरों के मुताबिक पुलिस सूत्रों का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद असद अपने साथी गुलाम के साथ प्रयागराज से कानपुर होते हुए दिल्ली पहुंच गया। वहीं पर बाटला हाउस में शरण ली थी। इस बात की जानकारी गुड्डू मुस्लिम के अलावा किसी को नहीं थी। लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी की, उसने अपनी जान बचाने के लिए असद की लोकेशन शेयर कर दी। बताया जा रहा है कि इसकी भनक लगते ही असद और गुलाम बाटला हाउस से निकलकर भागे और झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उसी दिन 13 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ प्रयागराज में कोर्ट में पेशी पर आए थे। उन्हें कोर्ट परिसर में ही इस गद्दारी की जानकारी हो गई थी। 5 लाख इनामी गुड्डू मुस्लिम की एक तरफ पुलिस को, दूसरी ओर अतीक के गुर्गे भी बदला लेने के लिए तलाश कर रहे हैं। इससे पूर्व भी गुड्डू मुस्लिम का माफिया प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह के साथ भी जुड़ा था। गुड्डू मुस्लिम पर कई बार गद्दारी का आरोप लगा चुके हैं। आपको याद हो कि माफिया अतीक और अशरफ ने अपनी हत्या से पहले मीडिया कर्मियों से गुड्डू मुस्लिम के बारे में बड़ा खुलासा करने वाले थे। दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाकर पुलिस कॉल लेकर पहुंची, जहां मीडिया के असद के जनाजे में ना पहुंच पाने के सवाल पर अतीक ने बोला था, नहीं ले गए तो नहीं गए। तभी अशरफ ने खुलासा करना चाहा, बोला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तब से लेकर अब तक यही अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर अशरफ क्या कहना चाह रहा था। ऐसी कौन सी बात थी जो वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहना चाह रहा था और तभी दोनों को गोलियों से भून दिया गया। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा उर्फ रूबी लंबे समय से फरार चल रही है। प्रयागराज पुलिस उन्हें ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा उर्फ रूबी की तलाश चकिया, कसारी मसारी और हटवा गाँव में की है। पुलिस ने इन इलाकों में कई लग्जरी वाहनों की तलाशी ली। इसके अलावा कई घरों में भी छापेमारी किए जाने की खबर है। साथ ही तमाम लोगों से पूछताछ भी की गई। 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान ये तीनों इलाके पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए हैं।